अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में दिखा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज महुआपाटन देवरिया में योग शिविर का आयोजन किया, जहां योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गोविंद त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत देवरिया अंजलि योग के प्राचार्य योगाचार्य श्री अर्जुन राव जी द्वारा विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और आपस के ग्रामीणों को योग की महत्ता और उसके गुण सिखाए गए। आचार्य ने सभी लोगों को बताया कि योग विभिन्न शारीरिक रोगों के निदान के लिए अति आवश्यक है और इससे महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं। मन की शांति, तनाव से मुक्ति, शारीरिक रोग मुक्ति, वजन पर काबू करना, इन सभी चीजों के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर के अतिरिक्त चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। योग फिट रहने का एक बेहतरीन तरीका है। यह कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम सभा से आए ग्रामवासियों, शिक्षकों के साथ विद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधक ने भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ये बताया, आधुनिक भारत में योग एक ऐसी पद्धति है जो कि हमारे वेदों से चली आ रही है। योग, प्राणायाम, संबंधित सभी चीजें हमारे प्राणों में वर्णित है और जिसको आधार बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि आज विश्व ख्याति प्राप्त है। विश्व के कोने कोने में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। केवल योग दिवस के अवसर पर योग नहीं, एक दिन अपने दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी को विद्यालय आचार्य प्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। टीम जनमंच खबर के लिए देवरिया से बैजनाथ जायसवाल की रिपोर्ट।